हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग पे। ये मेरा सेकेंड ब्लॉग है और इसमें मैं आज आपको अपनी HSC रिपोर्ट शेयर करूँगी। इसके पहले मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग बनाया था, उस ब्लॉग में मैंने अपना HSC टेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर किया था, जो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, मैंने अपने हिसाब से बना दिया। तो आप मेरी HSC रिपोर्ट आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पर। देख सकते हैं आप, ये मेरी HSC रिपोर्ट है। इस HSC रिपोर्ट में मेरे जो यूट्रस का साइज़ है वो नॉर्मल है, बट मेरी जो ट्यूब है दोनों वो ब्लॉक है। दोनों ट्यूब मेरी ब्लॉक है। इम्प्रेशन में भी मेरी दोनों ट्यूब ब्लॉक ही आया है। मैं आज आपके साथ अपनी HSC रिपोर्ट शेयर करूंगी। तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, हमारे आगरे के एक हॉस्पिटल है फिलकारी, वहाँ से मैंने राशि गुप्ता मैडम के पास से मैंने ट्रीटमेंट लिया था। तो उन्होंने मुझे 2 मंथ मतलब मेडिसिन से ही दिया कि मेडिसिन से ही हो जाएगा कंसीव, क्योंकि उस समय हमें पता नहीं था। तो हमने 2 मंथ मेडिसिन खाया, उसके बाद भी नहीं हुआ। तब उन्होंने हमें एडवाइस दिया कि आप एक बार HSC टेस्ट करा लीजिए, जिससे आपकी ट्यूब की जांच हो जाएगी। तो हम उनके कहने में HSC टेस्ट करा लिए। अब हमारे HSC टेस्ट में दोनों ट्यूब ब्लॉक आए। अब हमें समझ पे ही नहीं आ रहा है हम क्या करें। देख सकते हैं आप, ये मेरी HSC टेस्ट रिपोर्ट है। इसमें मेरे दोनों ट्यूब ब्लॉक है, दोनों ट्यूब ब्लॉक है। इसमें यूट्रस का साइज़ जो है नॉर्मल है, शेप भी नॉर्मल है, पोजीशन भी नॉर्मल है, जैसे मेरे बूथ ट्यूब ब्लॉक है। अब हमें पता चला कि हमारे दोनों ट्यूब ब्लॉक है, तो बस रोना स्टार्ट हो गया। उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया, फिर हम गए अपने डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने हमसे कह दिया कि आप कहीं मत जाइए, आप सीधा IVF में ही ट्राई करिए, आपको वहीं पे ही सक्सेस मिलेगी। ऐसे तो डॉक्टर आपको मेडिसिन में ही दिखाए रहेंगे कि हाँ ठीक हो जाएगा ठीक है, पर फिर भी हमने मतलब मन नहीं माना। किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, दूसरे डॉक्टर जो कि अभी मेरी एज भी इतनी नहीं है, 24 एज है, तो हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। तो आज मैंने आपके साथ अपना HSC टेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर किया। आगे मैं अपने और वीडियो बनाऊंगी कि मेरा अभी ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा है, मैंने कितने डॉक्टर चेंज कर चुकी हूँ, कितने डॉक्टर चेंज कर चुकी हूँ, उसके बाद भी अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। अब फिर तो सभी डॉक्टर का ये कहना है कि आपको IVF में ही सक्सेस मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।